सादर प्रणाम। आज हम लेके आए हैं केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और जो कि एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं और बहुत कम समय में आपको टोटल पता ही है। सेक्शन ए में 16 एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें असर्शन रीजन भी होते हैं, कुछ केस बेस्ड भी होते हैं। तो फिलहाल हम केवल उनको ले रहे हैं जिनमें मल्टीपल चॉइस है और उसमें एक आपको आंसर पिक करना है। ना एमसीक्यू वो असर्शन रीजन ले रहे हैं आज, और ना ही केस बेस्ड ले रहे हैं। फिलहाल इन्हीं को लेंगे। पहला है हमारा द फिमरी हेल्पिन। फिमरी आप जानते हैं कि ओवरी का एक स्ट्रक्चर होता है जो इस तरीके से होता है, और यहाँ पर झालर झालर जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, फिमरी बोला जाता है। फिमरी हेल्पिन, फिमरी किसमें हेल्प करता है? कलेक्शन ऑफ ओवम, कलेक्शन ऑफ स्पर्म, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, और मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म। कलेक्शन ऑफ स्पर्म और कलेक्शन ऑफ ओवम, यानी कि कलेक्शन स्पर्म के कलेक्शन में हेल्प करता है, या ओवम के कलेक्शन में हेल्प करता है, या फर्टिलाइजेशन में, दोनों के, या स्पर्म के मैच्यूरेशन में। देखिए, स्पर्म से तो इसका कोई मतलब होगा ही नहीं, क्योंकि फीमेल का स्ट्रक्चर है। तो ये हेल्प करता है कलेक्शन ऑफ ओवम, यानी कि जो आंसर ए है, आंसर ए इसका सही है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, स्टडी द गिवन डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ए एंड बी। ये डायग्राम आपको दिया हुआ है और ये ए और बी, इन दोनों के आपको नाम बताने हैं। डायग्राम आप समझ ही गए होंगे, और जिसमें ये जो आपके सेंट्रल न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई जिनको बोला जाता है, और बाकी तीन सेल, ये टोटल 8 सेल का डिवीजन होता है, जिसमें 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे और 2 सेल यहाँ पर आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन इसके दिए हुए हैं ए एग एपरेटस और बी पोलर बॉडी। दूसरा ऑप्शन है ए एंटीपोडल सेल और एग एपर्चर। तीसरा है सिनर्गेट्स और एग एपरेटस। चौथा है सेंट्रल सेंट्रल सेल और एंटीपोडल। तो देखिए, ये आपका जो है, ये वाली, ये होती है एंटीपोडल सेल, हिंदी में जिनको प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहा जाता है। तो ये हमें पता है कि ये एंटीपोडल सेल है। कई बार हम आंसर जब चूज करते हैं, तो उसके लिए अगर हमें मल्टीपल आंसर लेने होते हैं, और मान लीजिए जैसे मुझे नहीं पता कि ये इसका नाम क्या है, लेकिन मुझे ये मिल गया कि ए जो है वो एंटीपोडल है, ठीक हो गया, तो यानी कि और कहीं और एंटीपोडल दिया ही नहीं है, दैट मींस बिना किसी कंफ्यूजन के हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो बी दिया हुआ है, ये क्या है, एग एपरेटस, जिसमें जो सेंटर वाली सेल होती है ये एग सेल होती है, और ये इसकी क्या होती है, सिनर्गेट्स होती है, यानी कि सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो ये पूरे का पूरा क्या होता है, एग एपरेटस होता है, ठीक हो गया। तो इसका हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अनट्रांसलेटेड रीजन इज और आर ट्रू। आपको 6 यहाँ पर सिचुएशंस दी हुई हैं, और नीचे आपको चॉइस दी हुई है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, वो आपको चूज करना है। पहला आपका है प्रेजेंट ऑन आरएनए, प्रेजेंट ऑन एमआरएनए एट थ्री थर्ड डैश पोजिशन ओनली, प्रेजेंट ऑन एमआरएनए एट 5 पोजीशन ओनली, प्रेजेंट ऑन एमआरएनए एट 3 to 5 पोजीशन, नॉट रिक्वायर्ड टू इन ट्रांसलेशन प्रोसेस और रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अनट्रांसलेटेड रीजन, किसके लिए पूछा है, अनट्रांसलेटेड रीजन के लिए पूछा है। तो देखिए, अनट्रांसलेटेड रीजन के रिगार्डिंग इसमें प्रेजेंट ऑन आरएनए ये सही नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। प्रेजेंट ऑन एमआरएनए ये भी सही नहीं है, और ये जो आपका दिया हुआ है प्रेजेंट ऑन एमआरएनए एट 5th पोजीशन, ये भी सही नहीं है। एक्चुअली ये क्या होगा, दोनों पोजीशन पर होगा, प्रेजेंट ऑन एमआरएनए एट 3rd to 5th पोजीशन, ठीक है, 3rd and 5th दोनों पोजीशन पर ये क्या होगा, होगा। तो एक आंसर यहाँ पर मिल गया, लेकिन जो आंसर चूज करने, उसमें दो ऑप्शन दिए, यानी कि एक और इसका आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर हो गया। नॉट रिक्वायर्ड इन ट्रांसलेशन प्रोसेस, ये तो है ही नहीं बिल्कुल, और रिक्वायर्ड फॉर एफिशियंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो हमारा जो नेक्स्ट आंसर है वो ये है, यानी कि 4th and 6th, और 4th and 6th मतलब हमारा डी ऑप्शन। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्स डिटर्मिनेशन आर ट्रू इन एडिशनल द ऑटोसोम्स। फर्स्ट आपका दिया है मेल ग्रास हॉपर हैव वन लेस सेक्स क्रोमोसोम देन फीमेल, की जो एक मेल ग्रास हॉपर होता है उसमें फीमेल ग्रास हॉपर से एक सेक्स क्रोमोसोम कम होता है। मेल बर्ड्स हैव वन मोर सेक्स क्रोमोसोम देन फीमेल, जो मेल बर्ड होती है उसमें फीमेल बर्ड से एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इज इक्वल इन मेल एंड फीमेल बर्ड्स, कि नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम मेल और फीमेल बर्ड में इक्वल होते हैं। मेल ग्रास हॉपर हैव वन एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम देन फीमेल, कि मेल ग्रास हॉपर में वन एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम होता है और ये वन एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम के जो ऑप्शन है वो है। इसका एक और ऑप्शन है हमारे पास, इसका एक और ऑप्शन ये है कि मेल एंड फीमेल ग्रास हॉपर हैव द सेम नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, मेल और फीमेल ग्रास हॉपर के पास सेम नंबर सेक्स क्रोमोसोम के होते हैं। तो पहले इनको देख लेते हैं जो यहाँ पर आंसर दिए हैं कि कौन सा यहाँ पर हमारे लिए करेक्ट आंसर है। देखिए मेल ग्रास हॉपर हैव वन लेस सेक्स क्रोमोसोम देन फीमेल, हालांकि इस बार के कोर्स में सेक्स डिटर्मिनेशन है नहीं, लेकिन फिर भी ये एडिशनल क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ आपको ट्वेल्थ तो पास करना नहीं है, आपको बहुत कुछ आगे करना है और बहुत बड़ा करना है, ठीक है। तो मेल ग्रास हॉपर हैव वन सेक्स लेस सेक्स क्रोमोसोम, ये ऑप्शन हमारा सही है। मेल बर्ड्स हैव, ये सही नहीं है। नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इज इक्वल इन मेल एंड फीमेल, ये सही है। नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन जो बर्ड्स हैं वो इक्वल होते हैं मेल एंड फीमेल, तो हमारा जो इसका ऑप्शन होगा हमें कौन से मिले, वन और थर्ड। वन और थर्ड में हमें, फर्स्ट और थर्ड में हमें क्या मिला है, ऑप्शन बी। फर्स्ट और थर्ड में है हमारा ऑप्शन बी। अब रही बात नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉसिल रिकॉर्ड शोज दैट द साइज ऑफ द ब्लैक बियर इन यूरोप इंक्रीज्ड ड्यूरिंग ईच ग्लेशियल पीरियड। फॉसिल रिकॉर्ड ये बताते हैं कि ब्लैक बियर यूरोप में ग्लेशियल पीरियड के दौरान क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट दिस केस, कौन सा इनमें से तीन ग्राफ हमें दिए हुए हैं कि उस केस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो हमारा रेड लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये है बिफोर कंडीशन को दिखा रहा है, और जो हमारी ब्लू लाइन है वो प्रेजेंट कंडीशन को या आफ्टर कंडीशन को दिखा रहा है। क्लियर हो गया। जो फर्स्ट आपका दिया है डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन दिया है, दूसरा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन दिया है, और तीसरा दिया है डायरेक्शनल सिलेक्शन। डिस्ट्रप्टिव में देख रहे हैं बिफोर वाला ग्राफ ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, और आफ्टर क्या होता है, ऊपर जाता है नीचे आता है ऊपर जाता है, तो दैट इज अ डिस्ट्रप्टिव। स्टेबलाइजिंग में क्या है, जैसे पहले ऊपर गया था ग्राफ ऐसे ही बाद वाला ग्राफ भी हमारा ऊपर ही जा रहा है, दैट मीन्स स्टेबलाइजिंग नो चेंज, जैसे पहले ग्रोथ हुई थी वैसे ही अब हो रही है। डायरेक्शनल क्या होते हैं, किसी एक स्पेशल डायरेक्शन में ही होते हैं, तो इसमें क्या है पहले ग्रोथ हुई उसके बाद कम हो गया ग्राफ, लेकिन बाद में क्या हुआ, कम था लेकिन बाद में बढ़ता चला गया। और वो यही पूछ रहा है कि फॉसिल रिकॉर्ड शोज दैट द साइज ऑफ ब्लैक बियर इन यूरोप इंक्रीज ड्यूरिंग ईच ग्लेशियल पीरियड, मतलब इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो जो ये इंक्रीज हो रहे हैं तो कौन सा ग्राफ इसको शो कर रहा है, देखिए यहाँ तो ऊपर आ रहा है फिर घट गया, लेकिन यहाँ तो इंक्रीजिंग को शो कर रहा है, यहाँ भी ऊपर आया है और घट गया, यहाँ इंक्रीजिंग शो कर रहा है, दैट मीन्स जो हमारा ग्राफ सी है वो सही है, दैट मीन्स डायरेक्शनल सेलेक्शन। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज इन अ जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन द जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी इज कॉल्ड। कोई भी एक स्पीशीज है, इवोल्यूशन होता है किसी सर्टेन पॉइंट से या सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया से स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद वो फैल जाता है, यानी कि उसका रेडिएशन हो जाता है, विकिरण जिसको हिंदी में बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी एक जियोग्राफी, ये एक कोई एरिया है जहां से कोई स्पीशीज ने ग्रो किया, लेकिन उसके बाद किसी दूसरे आइसलैंड पे चली गई या दूसरे किसी कंट्री में चली गई या किसी और कॉन्टिनेंट में चली गई, तो ये कह रहे हैं कि रेडिएट जो ये स्पीशीज का रेडिएशन होता है वो
क्या कहा जाता है? ज्योग्राफी इज कॉल्ड, ये ज्योग्राफी कही जाती है कि जैसे ही उसने सिंपल फिंचे बर्ड का आप ध्यान करिएगा, जो डार्विन का फिंचे बर्ड था वो भी यही था, उसमें भी यही था कि किस तरीके से वो विकिरण हो रहा है, किस तरीके से वो रेडिएशन हुआ फिंचे बर्ड का, और उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। तो फाउंडर इफेक्ट तो नहीं है, कन्वर्जेंट इफेक्ट भी नहीं है, और सैल्टेशन भी नहीं है, यानी कि उन्होंने उस बदलते एरिया के साथ, उस बदलते जियोग्राफी के साथ अपने आप को चेंज किया, और ये हुआ हमारा अडेप्टिव रेडिएशन। क्लियर? द फैमिली ट्री बिलो शोज द इनहेरिटेंस ऑफ डचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यानी कि डीएमडी इन अ फैमिली। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन डीएमडी इज, ये पूरा एक पैटर्न दिया गया है किसी फैमिली का, जिसमें डीएमडी को रिप्रेजेंट किया गया है। जो स्क्वायर है वो इंडिकेट करता है नॉर्मल मेल को, और जो सर्कल है वो इंडिकेट करता है नॉर्मल फीमेल को। जो यहाँ पर आपके ब्लैक पोर्शन दिखाई दे रहे हैं वो इंडिकेट करता है अफेक्टेड मेल को। तो ये फर्स्ट जेनरेशन, सेकेंड जेनरेशन और थर्ड जेनरेशन। अब इसमें आपको बताना है कि द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन डीएमडी इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या एक्स लिंक्ड रिसेसिव। देखिए, अगर आप इसमें देखें तो जितने अफेक्टेड हैं वो सारे के सारे मेल अफेक्टेड हैं, जितनी फीमेल है वो सारी के सारी क्या है, नॉर्मल है। दैट मीन्स जो एक्स लिंक्ड जीन है वो क्या है, इस डीएमडी के लिए रिसेसिव है। तो सीधे ग्राफ देखते डायरेक्ट ही आंसर आ गया, इसमें तो किसी तरीके का कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव आपका इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, और ये कहीं ना कहीं एडिशनल 3 मार्क्स में भी आपको मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पर हमारा एमसीक्यू में दिया हुआ है, आपको एक डायग्राम दिया गया है न्यूक्लियोसोम का। डायग्राम का नाम नहीं लिखा है लेकिन मैंने बोल दिया आपको ये न्यूक्लियोसोम। इस डायग्राम में आपको आइडेंटिफाई करना है ए बी सी। क्लियर हो गया? आपको बताना है ए क्या है, बी क्या है और सी स्ट्रक्चर क्या है। डायग्राम आपको याद ही होगा, डायग्राम में जो ये सेंटर वाला पार्ट होता है, जो आपको ये बॉल जैसा दिखाई दे रहा है, ये जो बॉल होता है ये होता है हिस्टोन एक्टोमियर। ठीक है, तो ये हिस्टोन एक्टोमियर। दूसरा आपका जो ए होता है, ए क्या है, इस पर लिपटा हुआ जो थ्रेड जैसा दिखाई देता है वो होता है डीएनए, और इन दोनों थ्रेड के बीच में ये जो प्रोटीन का एक बॉन्ड दिखाई देता है ये होता है हमारा हिस्टोन। ठीक है, H1 हिस्टोन। तो ए क्या होगा, डीएनए, बी क्या होगा, H1 हिस्टोन, और सी क्या होगा, हिस्टोन ऑक्टोमेर। क्लियर? तो जहां मुझे ये ऑप्शन दिखेगा, ए क्या है, डीएनए, ए डीएनए यहां पर भी है, बी क्या है, बी क्या है, हिस्टोन, हिस्टोन, ये हिस्टोन ऑक्टोमेर नहीं है, ये हिस्टोन प्रोटीन। तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा जिसमें डीएनए, हिस्टोन और हिस्टोन ऑक्टेमेर, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिसमें इंट्रोड्यूसिंग, जिसमें दिया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ गंबूशिया फिश इन पोंड चेक्स द ग्रोथ ऑफ। देखिए, गंबूशिया को क्या किया जाता है, पोंड में इंट्रोड्यूस करने का एक प्रोजेक्ट चल भी रहा था, और एक इस तरीके का बहुत कुछ आया था कि जो पर्टिकुलर बीमारी है उस बीमारी को रोकने के लिए जितने पोंड्स हैं उन पोंड्स में गंबूशिया फिश को क्या करना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए। देखिए, गंबूशिया को इंट्रोड्यूस करने में आपका दिया है कि क्या चीज हम उसमें क्या चीज चेक कर सकते हैं या क्या चीज कंट्रोल कर सकते हैं, वाटर हाइसिंथ, एनोफिलीज, ड्रैगन फ्लाई या हाउस फ्लाई। डायरेक्ट बताती हूँ, एनोफिलीज। ठीक है, एनोफिलीज क्यों, क्योंकि जो गंबूशिया फिश होती है, गंबूशिया फिश जो मच्छर होते हैं एनोफिलीज, वो उनके लार्वी के लिए या उन मच्छरों के लिए वो क्या करती है, उनका मतलब मच्छरों का वो शिकार करती है, उनके लार्वा का शिकार करती है, जिससे रुके हुए पानी में मच्छरों की या मॉस्किटोज के नंबर्स को कम किया जा सके। और आपको पता है एनोफिलीज की वजह से बहुत भयंकर बीमारी हो जाती है, हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ जाता है। तो इसलिए प्रोजेक्ट था ऐसा, और बात होती है बार बार, और कुछ एरियाज पर ये इम्प्लीमेंटेशन भी होता है कि गंबूशिया को पोंड्स में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे कि वहां पर
एनोफिलीज कम हो जाए, मच्छरों की संख्या कम हो जाएगी जिनकी वजह से बीमारी फैल रही है, तो हम बहुत सारे जो साइड बाई यूज करते हैं, बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं, उनमें से एक बिना केमिकल का ये तरीका हो सकता है मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 नंबर में जरूर कहीं सैंपल पेपर में आएगा। अभी हम सैंपल पेपर जब कंटिन्यू करेंगे तो उसमें पूछा गया था कि पॉइंट आउट द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। आपको पॉइंट्स देने थे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ से उसको डीएनए स्ट्रैंड को कट करता है। ठीक हो गया। तो ये जो डीएनए स्ट्रैंड को कट करता है उसकी कंडीशन है अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पॉलिंड्रोम साइट, क्लोजर टू द सेंटर ऑफ पॉलिंड्रोम साइट, बिटवीन द सेम टू बेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, बिटवीन द डिफरेंट बेस ऑन द सेम स्ट्रैंड्स, एंड लीव सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन एट द एंड एंड डू नॉट लीव द सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन एट द एंड। अब रही बात यहां, देखिए ये हमें पता है, जब भी हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जो पैलिंड्रोम साइट होती है वो पैलिंड्रोम साइट के सेंटर से थोड़ा सा दूर उसको कट करना चाहिए, जिससे कि जो पैलिंड्रोम बन रहा है वो पैलिंड्रोम कंटिन्यू रहे। क्लियर हो गया। तो पहला तो हमें ये मिल गया, क्लियर। अब ये कह रहा है क्लोजर टू द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम, जब हमने सेंटर से थोड़ा सा दूर कह ही दिया तो सेंटर तो होगा ही नहीं। तीसरा दिया है बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, ये भी हमने पढ़ा है कि जब भी उसको कट किया जाए तो दोनों स्ट्रैंड में दोनों तरफ बेस कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अब सेम क्यों आने चाहिए, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा, हो सकता है कुछ के दिमाग में हो, बाकी कुछ लोग बहुत क्लियर हो। इसलिए सेम होगा क्योंकि जब वो वहां से कट किया जाएगा और उसके बाद जब वो दोबारा कॉइलिंग करेगा या दोबारा बॉन्डिंग करेगा तो उसको अपने वाला बेस चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए दोनों तरफ के जो हम जब कट करेंगे तो अपोजिट बेस क्या होनी चाहिए, अपोजिट स्ट्रैंड पर बेस कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर दिया है बिटवीन द डिफरेंट, अब जब ये करेक्ट है तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, एंड लीव सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन एट द एंड। सिंगल स्ट्रैंड लीव किया जाता है, अगर छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा तो जब डीएनए का आपने टूटने वाला एक स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा फिलर इस तरीके का दिखाई देता है, यानी कि एंड पर अगर सिंगल स्ट्रैंड नहीं रहेगा तो दोबारा वहां पर क्या करेगा, अपनी जो प्रोसेस है कॉइलिंग है या जो एडिशन होना है बेस पेयर से वो नहीं कर पाएगा, तो इसलिए लीव सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन एट द एंड, सिंगल पोर्शन वहां पर जरूर छोड़ना है एंड पर। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब डीएनए को कट किया जाए तो ये कुछ कंडीशंस हैं। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है, हमारे निकले 1, 3 एंड 5th, 1, 3 एंड 6, 1, 3 एंड ये ऑप्शन बी। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक सर्व्स द पर्पस ऑफ द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, किसी भी डिजीज के लिए अर्ली जो प्रोसेस या पर्पस यूज किया जाता है, कौन सी टेक्निक होती है, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, सीरम एनालिसिस और एलाइसा या एलिसा, यूरिन एनालिसिस, सीरम एनालिसिस, एलिसा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर एंड एलिसा, पीसीआर, सीरम एनालिसिस एंड यूरिन एनालिसिस। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अगर हम टेक्निक का यूज कर रहे हैं, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एलिसा, दैट इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आज का एक लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन एन एक्वेटिक सिस्टम। तीन हमें यहां पर पिरामिड दिए, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, उसकी हमें चार कंडीशन दी है, पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड अपराइट इन्वर्टेड, अपराइट अपराइट अपराइट, इन्वर्टेड इन्वर्टेड इन्वर्टेड, अपराइट इन्वर्टेड और अपराइट। आप देखिए इसमें क्या दिया है, एक्वेटिक इकोसिस्टम का आपको पिरामिड बताना है कि क्या सही होगा। तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें पिरामिड ऑफ नंबर पढ़े हैं अगर आपने पिरामिड, तो पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा कैसा होता है, अपराइट, यानी कि ऊपर की ओर, कैसा होता है, ऊपर की ओर सीधा जिसे हम कहेंगे।
है, पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास का इन्वर्टेड होता है, क्योंकि देखिए नीचे की तरफ लोअर ट्रॉपिक पे क्या होते हैं, लार्वा होते हैं, उसके बाद स्मॉल फिशेज हो गई, उसके बाद बिग फिशेज हो गई, तो ये क्या हुआ, बायोमास क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्लियर हो गया? तो बायोमास बढ़ता जा रहा है, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। अब आप कहेंगे इन्वर्टेड दिख नहीं रहा है, ये ऐसे इन्वर्टेड, ठीक हो गया। फिर आएगा पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑल्सो अपराइट, ये भी कैसा होगा वो हमें पता ही है, 10% का जो रूल चलता है वो सभी इकोसिस्टम पर अप्लाई होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड, मतलब आप ये बात गांठ बांध लीजिए हो, जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, यानी कि जो ऊर्जा का पिरामिड है, हर इकोसिस्टम में वो अपराइट ही होगा, वो आपको कभी भी इन्वर्टेड नहीं मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए, आप खाना खाते हैं तो खाने से आपको एनर्जी मिलती है, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप खाना खा रहे हैं इसलिए जो आपने खाया है उसको एनर्जी मिल रही हो। क्लियर? तो एनर्जी पिरामिड ऑलवेज अपराइट होगा, तो इसलिए आपका इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। फिलहाल आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर से कुछ एमसीक्यूज के ही बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम केवल एजर्शन रीजन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद केवल केस स्टडीज को देखेंगे, क्योंकि 16 मार्क्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।